Hacker. Hacker. अबे भाई जलवा है हमारा। अबे भाई मजा आया। तो हेलो खूनीगर्ल्स फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे ही रहेंगे। तो आज की वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख लिया। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अगर आप लोग फ्री फायर के अंदर किसी भी बंदे को वन टैप नहीं मार पाते, या फिर आप लोगों के वन टैप नहीं पड़ते हैं, या फिर आप लोग जब भी किसी बंदे को वन टैप हेडशॉट मारने जाते हो उस टाइम पे या तो आप लोगों की गन रिकॉल खाती है, या फिर आप लोगों की आधी से ज्यादा एमओ हवा में फायर हो जाती है, या फिर आप लोगों के बॉडी शॉट बहुत ज्यादा पड़ते हैं। हेडशॉट और वन टैप नाक के बराबर पड़ते हैं। कभी कभी आप लोगों का वन टैप पड़ता है लेकिन वो तुक्के में वन टैप पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में आपको वन टैप मारने की तीन ऐसी सीक्रेट ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं, जिनका तुम अगर यूज करोगे तो आप लोगों के सामने वाले बंदे को ओनली और रैंडम मरी पड़ेंगे। तो मेरी तुम सभी से आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे कहने से आज की ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, फिर बाद में आप लोग कमेंट करो कि मैंने वही हमको ये समझ में नहीं आया, फिर हमारे वन टैप नहीं पड़ रहे। इसलिए मैं तुम सभी से पहले ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज की ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोगों को देखनी है। आज की इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले आज की इस वीडियो में 500 डायमंड का गिव अवे और चलेंगे। आप में से 5 रैंडमली बंदे को मेरी तरफ से मैं 100-100 करके डायमंड है वो दूंगा। तो अगर आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो या फिर फ्री फायर के अंदर फ्री में 500 डायमंड जीतना चाहते हो, ये जो डायमंड गिव अवे है वो टोटली फ्री है। इसके बदले में ना तो आपको कोई आईडी पासवर्ड देने, ना ही आपको कोई पैसे वैसे देने। तो अगर आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आप लोगों को आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट बॉक्स में जाके आपको बस अपनी यूआईडी साथ एक मैसेज डाल देना है। तो आप में से 5 रैंडमली बंदे को मेरी तरफ से मैं 100-100 करके डायमंड है वो दे दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नंबर की सीक्रेट वन टैप ट्रिक के बारे में बात। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ या फिर जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना अगर आप लोगों को सामने वाले बंदे को ओनली और रेड नंबर मारने हैं तो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आप लोगों को मिस्टेक कि अगर आप लोग किसी बंदे को वन टैप मारते तो आप में से 90% बंदे ऐसे जो कि हमेशा एक गलती करते हैं। वो गलती क्या है कि जब भी आप लोग किसी बंदे को वन टैप मारते हो उस टाइम पे आप में से हर कोई बंदा जॉयस्टिक का यूज करता है। तो अगर आप लोग उस टाइम पे जॉयस्टिक का यूज करोगे तो आप लोगों के वन टैप नहीं पड़ेंगे। लेकिन वन टैप कब नहीं पड़ेंगे, जब आप लोग अपनी जॉयस्टिक को लेफ्ट साइड की तरफ खींचोगे। अगर आप लोग अपनी जॉयस्टिक को लेफ्ट साइड की तरफ खींच के बंदे में फायर करते हो तो उस टाइम पे आप लोगों के वन टैप पड़ने के चांस या फिर हेडशॉट पड़ने के चांस 90% तक कम हो जाते हैं। फ्री फायर के अंदर जो आप लोगों की लेफ्ट साइड होती है वो सबसे वीक साइड होती है। तो कभी भी आप लोगों को लेफ्ट साइड जॉयस्टिक को खींच के या फिर अपने कैरेक्टर को लेफ्ट साइड की तरफ रन करा के कभी भी वन टैप नहीं मारना चाहिए। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों को ऐसी कौन सी ट्रिक है जिसको फॉलो करना चाहिए जिससे कि आप लोगों के सामने वाले बंदे को ओनली और रैंडम मरी पड़े। तो देखो आप लोग जब भी किसी बंदे पे फायर करो या फिर किसी बंदे को वन टैप मारो फिर किसी बंदे को हेडशॉट मारो तो उस टाइम पे आप लोगों को हमेशा अपनी जॉयस्टिक जो होती है उसे राइट साइड की तरफ खींच के ही फायर करना चाहिए। क्योंकि ये बात तुम सभी को पता है कि फ्री फायर के अंदर जो आप लोगों की राइट साइड होती है वो सबसे पावरफुल साइड होती है। तो आप लोगों को हमेशा एक बात याद रखनी कि जब भी आप लोग किसी बंदे को वन टैप मारो फिर किसी बंदे को हेडशॉट मारो तो उस टाइम पे आप लोग अपनी जॉयस्टिक को या फिर अपने कैरेक्टर को राइट साइड की तरफ रन करा के फिर राइट साइड की तरफ खींच के ही वन टैप या हेडशॉट मारना है। तो ये तो गई आप लोगों के पहले नंबर की ट्रिक के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं सेकंड और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सीक्रेट वन टैप ट्रिक के बारे में बात। तो देखो आप में से 90% बंदे ऐसे जो कि हमेशा ये सोचते हैं कि अगर हम अपनी एम को एनिमी के हेड पर रखेंगे तो उस टाइम पे हमारे नेक्स्ट लेवल के वन टैप पड़ेंगे और नेक्स्ट लेवल के हेडशॉट पड़ेंगे। तो आप लोगों का ये सोचना बिल्कुल गलत है। अगर आप लोग अपनी एम को एनिमी के ऊपर रेड करके रखते हो या फिर एनिमी के हेड पर रखते हो तो उस टाइम पे आप लोगों के साथ होता क्या है कि आप लोगों का जो एम होता है वो या तो आप लोगों का एनिमी के सर के ऊपर चला जाएगा या फिर आप लोगों की जितनी भी एम हो वो सारी की सारी हवा में फायर हो जाएंगी। तो आज से आप लोग हमेशा ये बात याद रखनी कि जब भी आप लोग किसी एनिमी फायर करो या फिर किसी बंदे को वन टैप मारो या फिर किसी बंदे को हेडशॉट मारो तो उस टाइम पे आप लोग का जो एम होता है वो एनिमी के हेड के पास नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप लोग की सारी एमओ हवा में फायर हो जाएंगी। तो भाई अभी हम बात करते हैं कि आप लोगों को अपना एम जो होता है उसे ऐसा किस जगह पर रखना चाहिए जिससे कि आप लोग के सामने वाले बंदे को ओनली और रैंडम मरी पड़े। तो भाई एनिमी के ऊपर एम को लॉक करने के लिए आपको सिंपल सी एक ट्रिक फॉलो करनी है। वो ट्रिक क्या है कि आप लोगों को हमेशा अपना एम जो होता है वो एनिमी के चेस्ट के थोड़ा सा ऊपर की साइड होना चाहिए, जहां पर मैंने अभी रख रखा है। उस टाइम पे हुआ क्या कि अगर आप लोग अपने एम को चेस्ट के थोड़ा सा ऊपर की साइड रखते हो उस टाइम पे हल्का सा भी ड्रैग करते हो तो वो जो आपका एम होता है वो एनिमी के चेस्ट से हटके सीधा एनिमी के हेड पे जाके लगेगा। यानी आप लोगों को हमेशा अपना एम जो होता है वो एनिमी के चेस्ट से थोड़ा सा ऊपर की साइड रखना और हल्का सा ड्रैग करना है, आप लोगों का इजी पीजी वन टैप पड़ जाएगा। तो चलो अभी हम बात करते हैं तीसरी और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सीक्रेट वन टैप हेडशॉट ट्रिक के बारे में बात। लेकिन उससे पहले एक सेकंड का टाइम निकाल के अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ उसको भी थोड़ा सुन लेना। तो जैसा कि तुम सभी को पता है कि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और मैं आपको अपनी वीडियो में ए से लेकर जेड तक पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। अभी के टाइम पर चैनल बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है तो आप लोगों के
थोड़े सपोर्ट की जरूरत है। तो मेरे भाई अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई लाइक वाला बटन दबा देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि ये बात तुम सभी को पता है कि ना तो लाइक करने के पैसे लगते हैं और ना ही सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं। अब यार देखो, मैं आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो एक बार मेरे कहने से नीचे की साइड देखो, आपको एक ब्लैक कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, सिंपली बस आपको उस पर प्रेस ही करना है। आपको मैं यहाँ पर तीसरी ट्रिक बताऊँ, उससे पहले आप में से 90% बंदे ऐसे जो कि हमेशा एक गलती करते हैं, बन टैप मारते टाइम और हश्र मारते टाइम। जब भी आप लोग किसी इनेमी के शॉर्ट रेंज में होते या फिर मिड रेंज में होते, तो उस टाइम पे आप लोग अपनी एम को रेड करके बंदे के ऊपर फायर करते हो। तो भाई अगर आप लोग शॉर्ट रेंज में और मिड रेंज में अगर इनेमी के ऊपर रेड करके फायर करोगे तो आप लोग का जो एम होता है, जैसे आपका एम पैरों पे तो वो पैरों पे चिपक जाएगा, अगर आपका एम चेस्ट पे तो वो चेस्ट पे चिपक जाएगा, यानी कि आप लोग का जहां पर एम होता है वो वहीं के वहीं पे चिपक जाता है। यानी कि आप लोग चाहे कितना भी ट्रैक कर लो, अपने फायर वाले बटन को नीचे से ऊपर की साइड की दो, आप लोग का एम वहां से नहीं हटेगा। आज से आप लोग जब भी किसी बंदे को वन टैप मारो, फिर किसी बंदे को हेड मारो, तो उस टाइम पे आप लोग हमेशा एक बात याद रखें कि जब भी आप लोग किसी एनिमी से शॉर्ट रेंज में और मिड रेंज में फाइट करो, तो उस टाइम पे आप लोग को अपना एम जो होता है उसे हमेशा बाइट रखना है। अब आप लोगों के मन में एक कंफ्यूजन और रहता है कि हमें अपना एम राइट की तरफ बाइट रखना है, मिडल में बाइट रखना है, या फिर लेफ्ट की तरफ बाइट रखना है, फिर ऊपर की साइड बाइट रखना है। तो भाई देखो, आप लोग अपने एम को चाहे कहीं पे भी बाइट रखो, लेकिन आप लोगों का एम बाइट होना चाहिए। चाहे आपका एम राइट साइड में बाइट हो, चाहे लेफ्ट साइड में बाइट हो, चाहे मिडल में बाइट हो, चाहे एनिमी के आसपास बाइट हो, यानी आप लोगों का एम बाइट होना चाहिए। उसके बाद आप लोग को सिंपल सी एक ट्रिक फॉलो करनी है कि जिधर की साइड एनिमी होता है उस डायरेक्शन में आप लोग को फायर कर देना, आप लोग का इजी पीजी वन टैप पड़ जाएगा। चलो मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में समझाता हूँ कि अगर आपके एनिमी राइट साइड में, तो उस टाइम पे आप लोग को अपना फायर वाला बटन राइट साइड की तरफ खींचना है। अगर एनिमी लेफ्ट साइड में, तो आप लोग को उस टाइम पे लेफ्ट साइड में फायर वाला बटन खींचना है। अगर आप लोग का एनिमी सीधा खड़ा हुआ है, तो उस टाइम पे आप लोग को स्ट्रेट ड्रैग करना है। अगर आप लोग ये ट्रिक फॉलो करोगे तो आप लोगों के इजी पीजी वन टैप पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे जो कि फ्री फायर के अंदर ना तो टॉप करते हैं, ना ही आप लोग के पास डायमंड लेने के पैसे, तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसी सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूं जिसका तुम अगर यूज करोगे तो आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में डायमंड विन कर सकते हो, वो भी प्रूफ के साथ। तो अगर आप लोगों को फ्री फायर के अंदर फ्री में डायमंड चाहिए, तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है। कमेंट बॉक्स में मैंने एक वीडियो की लिंक पिन कर रखी, जहां पर मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया कि आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में डायमंड किस तरीके से विन कर सकते हो। अब आप लोग उस वीडियो को देखो, उससे पहले मैं तुम सभी से सेकंड टाइम रिक्वेस्ट और कर रहा हूं कि देखो, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन यहां से दबा देना। अभी के लिए बाय बाय।